Good morning everyone. I hope everyone is doing good in life और सब लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर वो सेफ होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं देहरादून से मसूरी जाने वाला हूँ। अभी एक्चुअली पहले मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि फॉर मी गोइंग टू देहरादून टू मसूरी स्टार्ट्स फ्रॉम मसूरी डाइवर्जन। तो आई एम गोइंग टू दी मसूरी डाइवर्जन फर्स्ट और फिर वहाँ से मैं अपनी राइड शुरू करूँगा। आई विल शो यू द होल जर्नी प्लस आई विल टेल यू टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट यू मे नॉट पैनिक when you're riding for such a long distance. distance ज़्यादा नहीं है, however elevation बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो I'll be telling you all those things and plus you'll be enjoying the beautiful scenery which will come in between. So guys, I have reached the Mussoorie diversion। यहाँ से दो रास्ते पड़ते हैं, एक सीधे जाता है और एक राइट से जाता है। राइट वाला लंबा है लेकिन एलिवेशन कम है, लेफ़्ट वाला छोटा है पर एलिवेशन ज़्यादा है। ये न्यू मसूरी रोड है, ये ओल्ड मसूरी रोड है। हाउएवर आई विल बी टेकिंग द न्यू मसूरी रूट। सो लेट्स स्टार्ट माय राइड नाउ। गाइस, फ्यू वीक्स बैक मैं मसूरी जाने के लिए एक बहुत ही डिफरेंट रूट लेने वाला था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ हो गया था जिसकी वजह से मेरी राइड कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो ऊपर की ओर मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। पूरे जर्नी पे मैं 5 से 6 अचीवमेंट पॉइंट्स क्रिएट करूँगा ताकि अगर आप इस वीडियो को देखकर मसूरी को क्लाइम करने का प्लान करते हैं तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि कितना कंप्लीट हो गया है और कितना बचा हुआ है। तो मैं उसके लिए 6 सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन्स क्रिएट करूँगा इस राइड पे, जिससे कि आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। द रोड्स आर स्टिल वेट क्योंकि कल रात को ही बारिश हुई थी और आज भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं निकल पाऊँगा। मुझे लगा था कि अभी सुबह भी बारिश होती रहेगी, हाउएवर अब मैं निकल गया हूँ। मैंने अपने बैकपैक में सारा सामान रख लिया है, लाइक अ हैंड सैनिटाइज़र, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, पानी, टूल किट और माई कैमरा गियर्स, सो दैट आई मे नॉट हैव टू स्टॉप समवेयर एंड बाय परचेज समथिंग। ये जो रूट है इसको कहते हैं DIT क्लाइंब ऑन स्ट्रावा, जो कि काफ़ी कठिन माना जाता है। व्हेन यू आर ऑन दिस रूट रिमेंबर वन थिंग, आपको ना यू कैनॉट जस्ट डू इट क्विकली एंड देन रिलैक्स। आप इसको धीरे धीरे आराम से करिए, अपने आप को ज़्यादा प्रेशर देंगे, हार्ट रेट जल्दी बढ़ेगा और उसके बाद फिर आपको ओवरऑल राइड करने में थोड़ी थकावट फील होगी। तो इन सब राइड्स को, इन सब एलिवेशंस को बहुत प्यार से आराम से क्लियर करना ज़रूरी है। सो गाइज़, पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो गया है, वो ये एरिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे थाना राजपुर रोड रहता है और इसको कुठाल गेट वाला एरिया भी कहते हैं। यहाँ से मसूरी 19 किलोमीटर पड़ेगा, तो ये एक माइलस्टोन होना चाहिए आपके दिमाग में। रास्ते पे आपको बंदर बहुत दिखेंगे, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। जंगली बंदर हैं, थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। दिस कैन बी योर सेकेंड माइलस्टोन। यहाँ पर कुछ मैगी पॉइंट्स हैं, जब आप आएंगे तो शायद ये खुल चुके होंगे एंड यू कैन इन्जॉय मैगी है और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग आता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि क्लाउड्स है, थोड़ा फॉगी हो गया है तो विजिबिलिटी बहुत लो है, तो विथ टाइम इट विल चेंज। आपको राइड पे बहुत से पहाड़ी डॉग्स मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी देर तक एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब ये जो डॉगी है लेफ्ट में, ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल दी मंकीज़ अराउंड एंड यू नो, मतलब ही विल डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स एंड दैट्स अ लॉट आई विल से। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है। तो गाइज दिस इज़ दी टोल प्लाज़ा जो कि आपको क्रॉस करना होगा वाइल गोइंग टू मसूरी, और दिस कैन बी अ थर्ड माइलस्टोन जिसको आप जब कंप्लीट करते हैं तो आपको रहेगा कि हाँ आप बस 3 और माइलस्टोन बचे होंगे। तो दिस विल बी द थर्ड माइलस्टोन। अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है बट आई विल कंटिन्यू। लुक एट दिस ब्यूटिफुल वेदर राइट नाउ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। आई डोंट नो वीडियो में आ पा रहा है कि नहीं बट थ्रू माई आइज इट्स लुकिंग सो नाइस, सो रिलैक्सिंग, सो पीसफुल एंड नो डाउट द एयर इज़ सो फ्रेश। आपको यहाँ पे राइड करके अलग ही खुशी सी मिल जाती है, अलग ही खुशी, अलग ही सेटिस्फैक्शन। हाँ थोड़ी थकावट रहती है लेकिन अगर आप ज़्यादा पुश ना करें अपने आप को तो वो थकावट भी कम हो जाती है। I've covered around 14 kilometers till now and the amount of calorie I have burnt is 1184 as you can see down there. So it is very important for you to maintain that calorie deficit. अभी जितना कम हुआ है उतना आप खा लोगे तो आपको ना ऊपर चढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए बिना खाए ऊपर तक चढ़ाने का प्लान करते हैं मसूरी तक, तो क्या होगा कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपकी बॉडी भी ना बहुत वीक फील करेगी। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम टाइम से रास्ते में कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपकी बॉडी कभी भी वीक ना फील करे। और हाँ, पानी पीना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना है, तो पानी भी पीते रहिए और खाते भी रहिए साथ में राइड करते समय। और एक बात और, अगर आप जब खा रहे हो इस रास्ते पे तो ध्यान दीजिएगा, ये बंदर आ सकते हैं और आपका खाना छीन सकते हैं। तो अभी इन बंदरों ने कोशिश किया मेरा खाना छीनना, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस फैक्ट ऑल्सो कि आप जहाँ खाएं वहाँ पे इतने बंदर ना हो कि वो आपका खाना छीनने आ जाएं। आई एम कम्प्लीटली इन टू द क्लाउड्स और रोड पे विजिबिलिटी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट इज़ नॉट वेरी क्लियर एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली द होल क्लाउड हैज़ कम डाउन and it looks so beautiful right now. So right now I'm eating my sandwich जो कि मैं घर से बना के लाया था। आप अपने मास्क को ऐसे डिस्पोज ऑफ मत करिए, ये एक बहुत ही गलत तरीका है जिसके वजह से बहुत नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए और ऐसे मास्क को रोड पे डिस्पोज ऑफ नहीं करिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी पर्सन टू पिक इट अप ऑल्सो, क्योंकि एक डर होता है ना कि हो सकता है इसमें जिस बंदे ने सांस ली है उसको कोरोना हो। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए। कभी कभी मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि व्हेन आई एम राइडिंग सोलो देन आई एम नॉट एक्चुअली राइडिंग सोलो, द नेचर इज़ विथ मी। अब जैसे मैं अकेले हूँ, उन बंदरों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी मेरा खाना छीनने के लिए, फिर कैसे 2 डॉग्स ने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी अपने एरियाज़ में। तो यू सी, आप कहीं भी जाओ, आप सोलो होते हो तो भी ना आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। गाइज दिस कैन बी अ 4th माइलस्टोन। आप इस जगह को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से मसूरी 11 किलोमीटर है और यहाँ से हम सेंट जॉर्ज स्कूल जाते हैं, झड़ी पानी का रास्ता है ऊपर की ओर, और पीछे हम ऑब्वियसली वापस देहरादून निकल जाते हैं। तो दिस कैन बी योर 4th माइलस्टोन जहाँ आप पहुँचिए तो आपको लगे कि हाँ मसूरी इज़ वेरी नियर टू मी। आई थिंक 9 किलोमीटर्स आर लेफ्ट और ऐसे रास्तों पर रुक के अगर आप अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड किए तो फिर किए क्या। थोड़ा 5-6 किलोमीटर चढ़ाता जा रहा हूँ, बस 2 घंटा हुआ है भाई। वी हैव रीच्ड रोपवे टू भट्टा फॉल। आजकल तो ये सारा एरिया इतना शांत रहता है, पहले कितनी भीड़ होती थी, अब तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। दैट्स हाउ टाइम हैज़ चेंज्ड ड्यू टू कोरोना। लेफ्ट में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, स्टेप फार्मिंग हो रखी है। एंड द क्लाउड्स आर सो क्लोज टू द ग्राउंड। So I have covered about 20 kilometers और शायद 8 किलोमीटर बचा है, which is not much, but जब आप हिल्स पे होते हो तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक बहुत ही वियर्ड सी बात है कि यहाँ पे भी मसूरी 5 लिखा है और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले भी मसूरी 5 लिखा हुआ था। तो जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो इन पे भरोसा ना किया जाए तो बेटर है, वरना आपको इरिटेशन हो सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट माइलस्टोन पे। ये भी एक तिराहा है, एज यू कैन सी। लेफ्ट से आप हाथी पाव जाते हो, तो यहाँ पे आप जब पहुँचेंगे तो हार्डली 5 किलोमीटर्स बचा होगा आपका जर्नी। अगर आप राइड करने आ रहे हैं फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, प्रेफर नॉट कीपिंग अ बैकपैक विथ योर सेल्फ। आप फ्रेम बैग रख लो चलेगा, बट अगर आप बैकपैक रख लेते हैं, जस्ट सेकेंड, जब आप बैकपैक रख लेते हैं तो आपके पीठ पे एक कांस्टेंट वेट होता है, एंड विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। पसीना भी बहुत जाता है और प्लस थोड़ा इरिटेट होता है इंसान, वो फ्रीली वो राइड नहीं कर पाता है। तो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस यू। अभी 6% का ग्रेड था, बट अभी क्योंकि मैं तेज़ नहीं जा रहा हूँ, माई हार्ट रेट इज़ नॉट गोइंग टू हाई, जिसकी वजह से मैं थक कम रहा हूँ। गाइस, कैन यू सी दैट साइड? कितना सुंदर व्यू है। सी अप, मसूरी इज़ 2 और इधर लिखा है मसूरी इज़ 3। अब आप डिसाइड कर लो, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर्स है, बट येस वी आर वेरी क्लोज टू मसूरी एंड वी आर अबाउट टू रीच मसूरी, विच इज़ वेरी गुड। एंड ओवरऑल अभी तक चीज़ें ठीक चली हैं, एंड आई होप आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, because that's the aim of me making the videos, and also because I want more and more people to join cycling and enjoy this beautiful weather. This area, as you can see, should be our last area of stop. So I have reached the place. राइट आगे, राइट जहाँ से वो बाइक आ रही थी वहाँ से देहरादून निकल जाते हैं, ऊपर लाइब्रेरी और लेफ्ट में पिक्चर पैलेस। दोनों तरफ से माल रोड तो आता ही आता है। मैं लाइब्रेरी तक जाऊँगा बिकॉज आई पर्सनली बिलीव अगर आप देहरादून से निकले हैं देन लाइब्रेरी तक तो जाना बनता ही बनता है। ये जो गांधी चौक की लास्ट चढ़ाई है, ये सबसे ग्रुसम रही है एज पर माई होल राइड। अभी ग्रेड 8% चल रहा है। आप नीचे देखिए, हाँ इससे पहले 7 चल रहा था और लगातार 7 से 8% का ग्रेड रहा है। से 8% का एवरेज ग्रेड आया है लगातार, एंड इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। तो आई एम अबाउट टू फिनिश, आई थिंक 500 मीटर बचा होगा मैक्सिमम, बट स्टिल मुझे रुकना पड़ा थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिंग था। दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज सो दैट यू कैन प्लान कि आपको अपनी पावर कब और कहाँ कितनी लगानी है। सो इट सेज हियर मसूरी एंड यू आर एट 1880 मीटर्स। तो आई एम ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ा सा और बचा है टू रीच द गांधी चौक। अब क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूँ तो आई थॉट आई शुड मेक सम वीडियो अबाउट इट। I've reached Mussoorie finally. You can see my details: 2756 calories, 27 kilometers, and descent is 3715 feet. Average is 8.6. So this is the update for my journey from Dehradun to Mussoorie. Reaching Mussoorie from Dehradun always gives you a sense of satisfaction. I mean, इस समय मैं इतना खुश हो गया कि I thought I should just let you know कि I'm very happy right now after completing this ride. I'm inside the mall road now. So I'm leaving now from Mussoorie to वापस Dehradun.